अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आर रेती एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल। आई एम गुलबा चाचर। इन वीडियो में मां के बुधंदम सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022 ए 2023। ही स्कॉलरशिप बिल्कुल ही डिफरेंट है पॉइंट स्कॉलरशिप का, छोजो ही स्कॉलरशिप है क्लास 6 का वठी 12 क्लास तई। ही स्कॉलरशिप मिली रही है पब्लिक स्कूल मीरपुर खास में तालीम हासिल करण जे लाए सिंध सूबे जे लाए। जैसे तुम इन चैनल से नया आयो तो मेहरबानी करें इन चैनल के सब्सक्राइब जरूर कजो, जी तुम्हें मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स और नौकरियों के बारे में जान मिलंदी रहे, उन्हें तैयारी के बारे में भी जान मिलंदी रहे। सब का पहले ही स्कॉलरशिप जो है पब्लिक स्कूल मीरपुर खास के शागिर्दन जे उन्हें शागिर्दन लाया जैसे पब्लिक स्कूल मीरपुर खास में दाखिला जो ख्वाहिशमंद। ही स्कॉलरशिप सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022 ए 2023 जे नाले से है, जो गुजरल भी पोएं दफे भी आई है, पोएं दफे जो आई है यह 8 क्लास लाए पूरी सिंध के लिए। हिंसर यह सिर्फ आई है उमरकोट आए मीरपुर खास के जिलन लाए, इन बिन्हीं जिलन के लिए जो जैमें क्लास 6 का वी 12 तई शागिर्दन के पढ़ाया वो। ही स्कॉलरशिप फकत सरकारी स्कूलन के सेफ के स्कूलन के शागिर्दन लाए है। सिंध सूबे के अड़े काबिल शागिर्दन का दरख्वास्त घुराजन थी जैसे स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट यानी कि कहीं भी गवर्नमेंट स्कूल ज हुकूमत सिंध के कहीं भी गवर्नमेंट स्कूल ज में तालीम हासिल कंदा हुजन और फाउंडेशन असिस्टेड स्कूल्स यानी कि सेफ के स्कूल में तालीम हासिल कर रहा हुजन जो इन वक्त 5 दर्जे में पढ़ी रहा है और वे हाँ अगते की तालीम पब्लिक स्कूल मीरपुर खास में पढ़ने जहाँ ख्वाहिशमंद। ही स्कॉलरशिप काबिलियत की बुनियाद दिनी वी जैमें टोटल 50 स्कॉलरशिप्स आन जो 6 दर्जे का वी 12 दर्जे तई 2022-2023 बोर्डिंग स्कॉलरशिप शागिर्दन और शागिर्दन के आछजन थियं। यह आछ स्कॉलरशिप जी मीरपुर खास और उमरकोट जिलन के रहंदड़ शागिर्दन लाए है। ही शागिर्द जैजा वालदीन जो डोमिसाइल मीरपुर खास या उमरकोट जिलन में बिन्हीं में कहीं भी एक जो है तो उन्हें उ उम्मीदवारी हासिल कर अप्लाई कर सकन था। शागिर्दन के इन लाइ इंटरव्यू एंट्री टेस्ट पास कर लाजमी है जो पब्लिक स्कूल मीरपुर खास पारा वरती वी वह स्कॉलरशिप एंट्री टेस्ट पास कर पब्लिक स्कूल मीरपुर खास दाखिला वाले मेयार के मुकमिल कर हासिल कर सकबी और दस्तावेजन की तस्दीक से मशरूत होंगी। बिल्कुल इन वीडियो में मां तुम्हें वधीक बुधाईंदुमि तो पब्लिक स्कूल मीरपुर खास के बारे में, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में, सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, इनजो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कड़ो है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कड़ा घुर्जन जो इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करण घुर्जन, फैसिलिटीज कड़ी मिलती बार के, उनका अलावा एप्लीकेशन प्रोसीजर माना कि अप्लाई कज इन स्कॉलरशिप के लिए, एंट्री टेस्ट में इंदो या कड़े किस्म के सवाल अची सकन था, आखिरी में लास्ट डेट कड़ी है। पब्लिक स्कूल मीरपुर खास जो 1980 ईस्वी में ठो हो ही सिंध जे पब्लिक स्कूल में जो बिहार पब्लिक स्कूल उन्हीं जी तर्ज नस्बत से ठो हो। पब्लिक स्कूल मीरपुर खास जो मीरपुर खास शहर का 8 किलोमीटर परे है ज्वेलरी रोड से जैसी एक ब्यूटिफुल सराउंडिंग है जैमें मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ वण बूटा इलाही रखल माना ग्रीनरी इलाही है बूटे में, तस्वीर में भी ऐसी सोता इन्हीं जो यो पब्लिक स्कूल सखर है सॉरी पब्लिक स्कूल मीरपुर खास है 42 एकड़ मुश्तमिल है जैमें टीचिंग और नॉन टीचिंग ब्लॉक्स भी आन, 3 हॉस्टल भी आन, लाइब्रेरी भी है, साइंस लेबॉरेटरीज भी आन, कंप्यूटर लैब और प्लेग्राउंड्स भी आन। पब्लिक स्कूल इन्हीं मकसद ला ठाया जी सुठा तमाम बेहतरीन शहरी और अगवान ठा सकजन जैमें करेक्टर इंफॉर्मेशन और सोशल सर्विस के लिए ज़्यादा नॉलेज और उन्हें जी महारत हुए जी हु मुल्क जा अफेयर्स हलाए सकन। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो एक इदारो है सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो 1992 में कायम थो, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन एक्ट 1992 मुताबिक ही इदारो जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है जो मकसद है सिंध के डोरा इलाक में जिते गवर्नमेंट पुजी न सही उत्ते वही बार फ्री में तालीम दे जैके जैमें उन्हें का भी फीस न दिनी वी उन्हें गड बार किताबू और ड्रेस वगैरह भी बार मुहैया किया वो।
हिन जो मेन मकसद जो ये तो माना हर एक बार के क्वालिटी एजुकेशन दिनी वे अज तीन सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जहाँ इलाई स्कूल तिठा हूँ हर एक एरिया में हर एक गोठ में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो स्कूल है। सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम ही स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो 2017 में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तरफा स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के ताउन से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन से ठा दिनों वो है जैमें आला तालीम हासिल करण जा सुनहरी मौका दिना वेंदा आइन शागिर्दन के उन्हनि जी टेस्ट इंटरव्यू के बुनियाद ते जेका पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन मतलब 6 क्लास का वठी 12 क्लास तक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इन स्कॉलरशिप मतलब यो है तो मेरिट ते ईंदड़ यानी काबिल शागिर्दन के अकेडमिकली सोशली अपॉर्चुनिटीज दिनी वन जो हू पांजे मुस्तकबिल में अगते वधी सकन। अज तई सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जताउन सा सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम में तकरीबन 2200 का वधीक शागिर्द यह स्कॉलरशिप हासिल कर चुका है जेके मुख्तलिफ़ किस्म से मुख्तलिफ़ क्लासन में मुख्तलिफ़ स्कूल यानी कि एनजेवी हायर सेकेंडरी स्कूल थी पब्लिक स्कूल मीरपुर खास आईबीए या कम्युनिटी कॉलेज थी उनमें तालीम याफ्ता उनमें तालीम हासिल कर रहा है। चार बैचेस हिंसर अची चुक इन्हीं स्कॉलरशिप जो हाँ अचूँ तो इन स्कॉलरशिप के बारे में सिंध स्कूल एजुकेशन जो स्कॉलरशिप जो मीरपुर खास उमरकोट के जिलों के लिए है इनमें यो आ तवजो स्कूल तवजो बार वो 6-12 तीन उनकी जो भी खर्च है वो भरी दो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन इन स्कॉलरशिप तहत उनके यूनिफॉर्म भी मिली रहाइश हॉस्टल तमाम बेहतरीन रहाइश मिली तमाम सुबह मंझंद रात की टिन वक्त की मानी भी मिली सिक्ख्या वो मवाद यानी कि बुक्स थी पेन्स बैग्स को बो मटेरियल थो पढ़ाई के हवा से वो भी मिल उनसा गड़ो गड़ तमाम अहम पॉइंट यो है इनके माहवार वजीफो भी मिल इन स्कॉलरशिप जो चूंड थी वह काबिलियत बुनियादन से थी काबिलियत बुनियाद से ये तो जो बार अप्लाई कंदा उन्होंने जो टॉप 50 बार हूँ उन्होंने यह स्कॉलरशिप दिनी वी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन जो अहलियत जो मयार यो है तो दरख्वास्त गुजार लाजमी तौर से इन वक्त 5 दर्जे में पढ़ंदड़ हो हाँ ही स्कॉलरशिप यानी कि उन्हीं बारन जला है जेके कहें भी सरकारी या सेफ स्कूलन में 5 दर्जे में पढ़ंदड़ हो जन उन्हें उन्हीं स्कूल जा माना स्कूल जा हकीकी शागिर्द हो जन ये न को कूड़ो सर्टिफिकेट में पर छो जो इतने छंडछाण के वक्त उन्होंने स्कूल का राबतो भी थी स्कूल जो GR की कॉपी भी वा दरख्वास्त गुजारी सरकारी स्कूलों के स्कूल में घट में घट आखिरी 3.5 साल 5 दर्जे समेत पढ़ल हो 3.5 साल मैंने क्लास 4 का वी 5 तीन 4th, 5th 3 साल उन्हीं स्कूल में पढ़ो या उन्हीं में या वरी कहीं सरकारी या सेफ के स्कूल में पढ़ंदड़ हो। दरख्वास्त गुजार की उम्र 25 मार्च 2022 तीन 12 साल का मथे न हो 12 साल का घट हो 12 साल का मथे वालों के लिए ही स्कॉलरशिप ना है। ये शूँ जो भी हैं जो तुम पे स्कॉलरशिप अप्लाई करण का पे ये जरूर ऐसो शागिर्द शागिर्द लाजमी तौर से मथे जान आयल मीरपुर खास डिवीजन जहाँ रहाइशी हो मीरपुर खास डिवीजन जहाँ रहाइशी जैमें मीरपुर खास खास तौर उमरकोट जिलों बिन्हीं जहाँ रहाइशी होजन उनका बाद में कड़ा डॉक्यूमेंट्स खपंदा घुर्बल दस्तावेज एडमिशन फॉर्म समेत एडमिशन फॉर्म जो तक लिंक दींदम उन डाउनलोड कर वो या मुझे व्हाट्सएप कर मोकिलस घुर्बल दस्तावेज एडमिशन फॉर्म मुकमिल तौर पर भरल एडमिशन फॉर्म 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होजन जेके अच्छे या वाइट बैकग्राउंड में हो अच्छे यानी कि वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में होजन GR सफो लागापल स्कूल के हेडमास्टर मास्तराणी स्कूल पार्टनर का तस्दीक थल हो तस्दीक थल ये हो माना अटेस्ट थल हो उन्हीं का स्कूल के हेडमास्टर का या मास्तराणी का या स्कूल के ऑपरेटर का स्कूल छड़न जो सर्टिफिकेट पास सर्टिफिकेट दाखिला वाली घुर्बल स्कूल छड़न जो सर्टिफिकेट की हाँ का भी जरूरत ना यो जो स्कॉलरशिप में वो बार पास थी तो उनके बाद में जैसे 5 दर्जो भी इतने पूरा थो तो उनकी जरूरत पवी शागिर्द जो बेफाम जरूर ठहल हो वाले की डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड की कापी शनाख्ती कार्ड ना होने की सूरत में दरख्वास्त गुजार लाजमी तौर पर नादरा में उन लाइ दरख्वास्त दे उनकी रसीद की कापी दाखिला फॉर्म से गड लगाए जैसे तुझे बार जो बेफाम भी न ठहल बेफाम अज ठही सके तो तेरे नादरा वो तो उन्होंने जैसे महीनों टाइम हों 50 रुपये में जैसे तुम अर्जेंट में ठहरा तो 500 रुपये में उन्हीं वक्त ही तक मिली सके तो
तो जेकड़े तवां ना बिठाए सको था तो अप्लाई करे उन जो जेको टोकन नंबर है या रसीद की कॉपी वो तवां इनी डॉक जो एडमिशन फॉर्म से गड मोकलियो। उनका बाद में हाँ तो अप्लाई किए कर इन स्कॉलरशिप के लिए, इन स्कॉलरशिप अप्लाई करने का तरीको यो है तो दाखिला फॉर्म एडमिशन फॉर्म जो आए इन स्कॉलरशिप जो चालान फॉर्म इन स्कॉलरशिप जो 600 रुपया चालान है जो वापस को यो 600 रुपया एप्लीकेशन प्रोसेस टेस्ट वगैरह जो खर्च के लिए वरता वा तो एंट्री टेस्ट की या 600 रुपया फीस है यह तक दियणी है। इन बाद में का भी फीस ना आए, सजो कुछ फ्री है, सजो कुछ हॉस्टल का वी मन रहाइश का वी वेंदे खाधे पीते ताई पढ़ाई ताई सजो कुछ का भी फीस ना दी। इवन एतरे कदर जो उन्हें बारन के खर्ची भी दिनी वेंदी। ही स्कॉलरशिप जो पब्लिक स्कूल मीरपुर खास की वेबसाइट ते फॉर्म डाउनलोड कर सको था, सेफ तुम भी डाउनलोड कर सको था। उनका अलावा मारे व्हाट्सएप कर मां भी तुम्हें मोकले सका तो दाखिला फॉर्म के लाजमी तौर पर मुकमिल भरे वे का भी फॉर्म जो फॉर्म जो को भी खानो वो न छो मां यो जल्द एक बो वीडियो अपलोड कर जैमें तक बुधाई तो फॉर्म कें फिल कर दाखिला फॉर्म लाजमी तौर पर लगा पियल स्कूल के हेडमास्टर हेडमास्टर या स्कूल ऑपरेटर का तस्दीक थल हो तस्दीक थे यानी कि अटेस्टेड उनको ठप्पो लग बिल्कुल 600 रुपये चालान फॉर्म अलाइट बैंक जी लिमिटेड सेटेलाइट टाउन मीरपुर खास में डिपॉजिट कर सकते थी डिपॉजिट करा सकते थी अलाइट बैंक में ठीक है। देखला दाखिला फॉर्म भरल चालान घुर्बल दस्तावेज समेत प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल मीरपुर खास वट जमा कराया वा दाखिला फॉर्म इन सिर्फ जो फॉर्म डाउनलोड करे वो तुम उत स्कूल में जमा कर सको था या पोस्ट या टीसीएस पोस्ट कर तो बेहतर है या पा वो तो अना बेहतर है छोजो स्कूल है स्कॉलरशिप मीरपुर खास उमरकोट आ उमरकोट वन के लिए ही है। उनका बाद में एंट्री टेस्ट जहाँ इन स्कॉलरशिप की थी वह उनमें बिन किस्म के सवाल हूँ पे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि घुण चूंड सवाल बया शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यानी कि नंढड़ा नंढड़ा सवाल हूँ जैमें मजमून अंग्रेजी रियाजी जनरल साइंस सिंधी या उर्दू से शामिल है। चार मजमून हूँ अंग्रेजी रियाजी जनरल साइंस टिन्हीं के लिए जो मीडियम पाँगी टिक कह वह सिंधी हों तो सिंधी उर्दू हों तो उर्दू में वरती वी। उम्मीदवार सैंपल टेस्ट पेपर गाइडलाइन वेबसाइट वेबसाइट पब्लिक स्कूल मीरपुर खास सेफ की वेबसाइट मौजूद हैं। दरख्वास्त गुजार के संदस रोल नंबर स्लिप संदस डिनल एड्रेस से मोकली वी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिनल मोबाइल नंबर्स से SMS जरिए तारीख हंध ए रोल नंबर बाबत इतला पिण दिनों वो हाँ ऐसो माना जो स्लिप है वह तक पोस्टल एड्रेस डिनल होंगी उन्हीं ही मोकली वी। उनका अलावा तक नंबर भी डिनल हों उन मैसेज रोल नंबर भी मोकलींदा। इनका कहीं भी मालूम है जैसे तक जरूरत है तो ये नंबर डिनल इन्हीं तुम सूमर का छंछर तीन सुबह 9 बजे का वी 3 बजे तीन शाम जो कॉल कर का भी मालूम वी सको था। अहम मालूम इन्हीं अहम नोट जो स्कॉलरशिप ही इश्तिहार फकत सरकारी स्कूल स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ए सेफ के शागिर्द है। प्राइवेट स्कूल जो को भी शागिर्द है वो इन एलिजिबल ना है ना वो अप्लाई करें। दाखिला जो दारोमदार GR सफे के लागापियल स्कूल के हेडमास्टर मास्तराणी स्कूल पार्टनर ए तालुका एजुकेशन ऑफिसर का तस्दीक वाले के डोमिसाइल की कॉपी बेफाम वाले के शिनाख्ती कार्ड की कॉपी ए स्कूल सर्टिफिकेट जमा कराने से मुश्तमिल हों जो सजो प्रोसेस है यो एडमिशन का बाद में चूंडियल शागिर्द शागिर्दान के वालदेन के सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के लिखित तौर कसमनामे से सही करनी पवी तो उनो पुट या धी स्कॉलरशिप प्रोग्राम तहत 12 दर्जे तीन लगातार तालीम हासिल कह ये ना विच में छे दे तो उन यो स्टाम कराइंदा। कें भी गाल तस्दीक न थे जोगे मालूम थे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन दरख्वास्त रद्द कर हक महफूज रखे थी। का भी गलत इंफॉर्मेशन दिनल हूँ तो उनते तुम जो टेस्ट भी पास किया इंटरव्यू भी पास किया तो स्कॉलरशिप रद्द कई वी छोजो तुम्हारी मालूम गलत होंगी। वधिक तफ़सीलात मालूम के लिए पब्लिक स्कूल मीरपुर खास की वेबसाइट और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की वेबसाइट विजिट कर। हाँ इनकी आखिरी तारीख जो है वह 25 मार्च 2022 दरख्वास्त की आखिरी तारीख है 25 मार्च 2022 तो 25 दिन जैमें तीन स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सको था। मेहरबानी जैसे तुम इन चैनल से नया तो मेहरबानी कर इनके अपलोड यो सब्सक्राइब कर जी तुम्हें हर वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की स्कॉलरशिप्स क्लास 6 से 12 तीन यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप उनके एडमिशन्स के बारे में सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की नौकरियों के बारे में तुम्हें हर वक्त जान मिलंदी रहे। उनका अलावा उन्हें तैयारी की भी जान मिलंदी रहे। मेहरबानी पांजे दोस्तों से ज़रूर शेयर कर जो।